हेलो फ्रेंड्स, आज जिस ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म की बात मैं करने वाला हूँ उसका नाम है स्टडी गेट। और ये एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है क्योंकि यहाँ पे आप 120 से ज्यादा सब्जेक्ट्स को ऑनलाइन ट्यूटरिंग करके बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर इनका क्लेम है कि मैक्सिमम आप एक घंटे का $15 तक कमा सकते हैं। और आप सोच सकते हैं 120 से ज्यादा सब्जेक्ट अवेलेबल है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट को चूज करके और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। स्टूडेंट आपको खुद ब खुद यहाँ पे मिलेंगे। बाकी इंटरफेस इसका कुछ इस तरह का दिखता है जो आपको साइड में दिख रहा है, और काफी अच्छी वेबसाइट है। यहाँ की कुछ खासियत है वो मैं पहले आपको बता दूं इस प्लेटफॉर्म के, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो कहीं भी स्किप मत करिएगा, एक एक स्टेप जरूरी है तो सब कुछ आपको देखना है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर भी कर दीजिएगा। और एक और चैनल का आपको नीचे में नाम लिखा हुआ आ रहा होगा, वो भी मेरा ही चैनल है, उसको भी आपको जाके सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को लाइक करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर कैसे आपको काम करना है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इस प्लेटफॉर्म का नाम है studygate.com और यहाँ पर आप पहली से लेके और कॉलेज लेवल तक के स्टूडेंट्स को आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं। सब्जेक्ट कौन से पढ़ा सकते हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले बता दूं कि यहाँ पे जो पेमेंट का सिस्टम वो क्या है। यहाँ पे पेमेंट का सिस्टम आवर के बेसिस पे है, यानी जो आप पढ़ाएंगे बच्चों को एक घंटे का पेमेंट आपको मिलेगा, मतलब जितने घंटे पढ़ाएंगे उतने घंंटे के हिसाब से आपको मिलेगा। पेमेंट मंथली आती है जो कि आपके डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट के में आती है, और पेमेंट ये बाहर से आती है इसलिए आपके पास पेपल अकाउंट होना चाहिए, वहां से आपको पेमेंट मिल जाती है डायरेक्टली। तो कोई इजी है या कोई कठिन बात नहीं है। तो चलिए, तो पेमेंट का हो गया। और अर्निंग पोटेंशियल इतनी है कि अगर दिन में आप 4 घंटे भी देते हैं इस वेबसाइट पे, अगर आप महीने के मतलब 30 डेज पढ़ाते हैं और 4-4 घंटे ही पढ़ाते हैं तो भी आपको यहाँ पे 35,000 से लेके 55,000 के आसपास यहाँ पे अर्निंग होती है। ये मिनिमम अर्निंग है, इससे ज्यादा ही होगी यहाँ पे। तो ये तो होगी पेमेंट की बात। अब बात करते हैं कि ये वेबसाइट क्यों इतना वेल नोन है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वेबसाइट को, इस कंपनी को रिकॉग्नाइज किया है बड़े बड़े ब्रांड्स ने, जैसे कि फोर्ब्स हो गया, INC हो गया, ये सारी कंपनीज ने इसको रिकॉग्नाइज किया। इसकी वेबसाइट पे आप जाके देखोगे तो लिखा हुआ है साफ साफ कि इन कंपनीज के साथ इनका कुछ डील रहा है, और इनके जो ट्यूटर्स है वो हाई क्वालिटी के ट्यूटर्स होते हैं। तो आपके पास सब्जेक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। ये तो चीज होगी यहाँ पे इस वेबसाइट और इस कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, ग्रेजुएट से कम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप फ्रेशर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जितनी ज्यादा क्वालिफिकेशन है, PhD है तो और ज्यादा बेटर होगा। एक्सपीरियंस है तो ज्यादा सैलरी आपको मिलेगी आवर के बेसिस पे। अब चलते हैं कि यहाँ पे आपको 120 सब्जेक्ट तो बोल दिया गया, लेकिन 120 सब्जेक्ट में कौन कौन सब्जेक्ट जो है आप पढ़ा सकते हैं। मैं आपको कुछ लिस्ट बताता हूँ, कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया। जैसे मैथ हो गया आपका, साइंस हो गया, बिजनेस स्टडीज है एंड ह्यूमैनिटीज है, और उसके बाद प्रोग्रामिंग है, ये सारे कैटेगरीज है। तो आपकी एक्सपर्टाइज जिसमें भी है उसमें आप पढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले मैथ की बात करें तो मैथ में आप अलजेब्रा पढ़ा सकते हैं, कैलकुलस, फिनिट मैथ, मैथ लॉजिक एंड स्टेटिस्टिक्स और ज्योमेट्री, ये सब आप पढ़ा सकते हैं मैथमेटिक्स में। उसके अलावा साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा ही सकते हैं, साथ ही जियोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंड न्यूट्रिशन साइंस, ये भी आप यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है बिजनेस स्टडीज। अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स से है तो आप इजिली यहाँ पे अर्न कर सकते हैं बहुत अच्छा अर्निंग, और यहाँ पे स्टूडेंट की डिमांड भी काफी रहती है बिजनेस स्टडीज के लिए। इसमें आप अकाउंटिंग पढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ा सकते हैं, फाइनेंस, लॉ, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट है, आप कॉलेज स्टूडेंट है तो भी आप यहाँ पढ़ा सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ है या फिर प्रोफेशनल, कोई भी यहाँ पे काम कर सकता है, एज लिमिट ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप अंडर ग्रेजुएट है तो भी ये लोग ले रहे हैं उनको भी, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमैनिटीज के साइड से अगर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है तो आप यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, लिटरेचर पढ़ा सकते हैं, फिलोसफी पढ़ा सकते हैं, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ये भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट यहाँ पे काफी संख्या में आते हैं। अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से, अगर आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो आप यहाँ पे इजिली पढ़ा सकते हैं, सी लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं, जावा एंड आर, CSS, रूबी, विजुअल बेसिक, ये सब आप यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। साथ ही आप पाइथन, SPSS, HTML, नेटवर्किंग, वेब डिजाइनिंग, ये सब यहाँ पे आप पढ़ा सकते हैं। तो देखिए इतने सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे हायरिंग बहुत ही इजिली हो जाएगी आपकी, और थोड़ा सा हायरिंग में टेस्ट आपको देना पड़ता है, वो तो सभी प्लेटफॉर्म पे होता है,
तो इजीली आप यहाँ पे काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा वेल नोन प्लेटफॉर्म है, एक एस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म है। ऐसा नहीं कि कोई नई कंपनी है, आज है कल बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 2014 में ये बनी थी कंपनी और 2014 से अभी तक ये कंटिन्यूस ग्रो कर रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। और बाकी कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इस कंपनी को जो रिकॉग्नाइज किया वो मैंने आपको बता ही दिया डिटेल में कि बड़े बड़े ब्रांड्स ने इसको रिकॉग्नाइज किया। इसको अप्लाई करने के लिए आपको जो यहाँ पे साइड में इंटरफेस दिख रहा है वहां पे आपको जाना है, सबसे पहले टाइप करना है studygate.com और वहां पे जाने के बाद जो आपको ये इंटरफेस दिख रहा है वहां पे राइट साइड कॉर्नर पे आपको दिखेगा तीन लाइन्स, वहां पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद वहां पे ब्राउज ट्यूटर पे क्लिक करना है ताकि आपको पहले जानकारी ले लेनी है कि यहाँ पे आपको काम कैसे करना है, किस तरीके का यहाँ पे मेथोडोलॉजी होने वाला है टीचिंग के लिए। जब इसे पढ़ लेंगे उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट को स्क्रॉल करना है, सबसे नीचे आना है, वहां पे लिखा हुआ है बिकम ए ट्यूटर, ठीक है, तो वहां वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक गूगल का फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करना है। आप यहाँ पे फेसबुक आईडी है तो उससे भी लॉगिन कर सकते हैं, नहीं है तो आप न्यू साइनअप यहाँ पे कर सकते हैं। साइनअप के लिए आपको क्या करना है, साइनअप के लिए आपको जस्ट अपना नाम डालना है, अपना ईमेल आईडी डालना है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालना है और उसके बाद अपना एक जो है हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, ये कंपनी पूछती है कि आपको स्टडी गेट के बारे में जानकारी कैसे मिली। तो आप मेरे YouTube चैनल का नाम ले सकते हो, वहां पे लिख सकते हैं कि आई हर्ड फ्रॉम यू फ्रॉम ए YouTube चैनल एंड मेरा नाम दे सकते हैं टेक्निकल ज्ञान कोर्स, या फिर अगर आपको किसी अदर फॉर्म से भी यहाँ की जानकारी मिली है तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको चेक कर देना आई एम नॉट रोबोट और सबमिट कर देना, ये फर्स्ट स्टेप है। जैसे ही कम्प्लीट होता है उसके बाद आपके पास एक और फॉर्म खुलेगा और उस पर आपको डिटेल्स डालनी है, जैसे आपका सब्जेक्ट, टाइमिंग स्लॉट, ये सारी चीजें डाल के सिंपल है जैसे बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे होता वैसे ही है, वो करके सबमिट कर देना है। उसके बाद का प्रोसीजर वहां की साइट से होगा, आपके पास मेल आएगी। तो ये प्रोसीजर है और इस तरीके से आप हम पढ़ा सकते हैं। एक चीज जो मैं मिस कर गया वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप तीन तरीके से पढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छी चीज है कि आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, आप या तो चैट के थ्रू पढ़ा सकते हैं, या फिर आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू पढ़ा सकते हैं, या फिर आप पढ़ा सकते हैं वीडियो स्क्रीन शेयरिंग के साथ। मतलब आप जैसे कंप्यूटर पे कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, आप जस्ट उस स्क्रीन को शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स के पास, वो बच्चा आपका स्क्रीन को देखता रहेगा, आप नहीं नजर आएंगे, सिर्फ आपका स्क्रीन उसको दिखेगा और आप जो जो वहां पे काम करते रहेंगे उसको नजर आएगा और हेडफोन के द्वारा आपसे बात करेगा और आप पढ़ा सकते हैं। तो तीनों ही ऑप्शन है, चैट के थ्रू भी आप पढ़ा सकते हैं, कुछ ज्यादा मैथमेटिकल या कंप्यूटर में पढ़ा रहे हैं तो आपको स्क्रीन की जरूरत होगी तो आप लैपटॉप से पढ़ा सकते हैं, दोनों ही तरीके, मोबाइल फोन से भी आप पढ़ा सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे जरूर अप्लाई करिए और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मुझे भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके। इस पर कुछ और डिटेल आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो एक बार और आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर करिए बहुत ज्यादा, जितने ज्यादा लोगों तक हो सके उतना शेयर करिए और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मिलते हैं अगले किसी यूजफुल वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।